ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत बनोली खास के लोग डिपो को जाने वाले रास्ते की दुर्दशा को देखकर लामबंद हो गए हैं। स्थानीय लोगों हरनाम सिंह, गिरधारी लाल, स्वर्णा देवी, बलवंत सिंह, सतपाल, बलदेव सिंह, रघुवीर सिंह, जनकराज, आशा कुमारी, वीना देवी, सुदेश कुमारी, चैंचलो देवी, राधा देवी ने बताया कि हमने डिपो को जाने वाले रास्ते के लिए अपनी बेशकीमती जमीन विभाग के नाम कर दी थी, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने रास्ता बनाना मुनासिब नहीं समझा। लोगों ने बताया कि सड़क से लेकर डिपो तक जो रास्ता जाता है उसकी लंबाई लगभग 300 मीटर है। इस रास्ते से आवाजाही करने के लिए बनोली खास के गांव कुर्दियाल, बस्ती बासा, डुगलू, डमोह, काली मिट्टी, हरनेरा के गांव में लगभग 100 घर आते हैं। लोगों का कहना है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो इस दलदल के रास्ते गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो पाती। बीमार व्यक्ति को पालकी द्वारा मुख्य सड़क तक पहुंचाया जाता है। इस दलदल में आवाजाही करने वाले लोग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कंधे पर उठाकर सड़क तक पहुंचाते हैं। रास्ता खराब होने के कारण हमारी डिपो में सामान समय पर नहीं पहुंचता। इसलिए इसके चलते किसानों को खाद भी महंगे दामों पर मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर लोक निर्माण विभाग द्वारा अगर चुनाव से पहले रास्ता नहीं बनवाया गया तो लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बनोली खास पंचायत के पूर्व प्रधान बलवंत सिंह ने बताया कि इस कच्चे रास्ते को बारिश में दलदल बन जाता है। लोगों को आने जाने में बुजुर्ग लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार विभाग व विधायक को अवगत करवाया गया, लेकिन आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिला। इस बारे में जब लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता राहुल गुलेरिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला मेरे ध्यान में है, जैसे ही मौसम साफ होता है जेसीबी भेजकर रास्ते को ठीक करवाया दिया जाएगा। मैडम, क्या नाम आपका जी? मेरा नाम रेखा देवी है। अच्छा, क्या समस्या जी रास्ते वाली? सर, समस्या बहुत है सर, रास्ते बहुत खराब है हमारे। बरसात में तो आने जाने की बहुत दिक्कत रहती है। 2-3 साल से ना यहाँ पे सड़क का कोई भी साधन नहीं है, और हमें बच्चे जो है स्कूल के लिए वो भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने के लिए। अगर बीमार शुमार कहाँ कैसे जाते हैं फिर? सर, बड़ी मुश्किल है आने जाने के लिए। पालकी में जाते हैं, गाड़ी का कोई भी साधन नहीं है। एम्बुलेंस नहीं पहुँचती रोके पे। अंगली, क्या नाम आपका जी? गिरधारी लाल। क्या समस्या जी? समस्या ये रोड देख लो, ऐसा है चिक्कड़ है, यहाँ बच्चे आ रहे हैं स्कूल को जाना है सुबह तो कैसे लगाने हैं, बस यहीं पीछे से मुड़ जाती है, आगे पीछे इससे भी ज्यादा खराब है। और 3 साल हो गए इसको, हमने पीडब्ल्यूडी को अपने मलकी दी हुई है और इसकी रिपेयर फुर तो होती नहीं है, ऐसे हमें निकलना पड़ता है। चिक्कड़ में औरतें हैं, बच्चे हैं, और यहाँ डिपो है, डिपो का सामान भी ले जाना पड़ता है और वह पीछे से उतारना पड़ता है, कभी कोई खाद भी ले जा रहे हैं तो कैसे ऐसे रहते हैं। यहाँ पर कुछ यहाँ भी है, कुछ दूसरी जगह भी प्रॉब्लम है, और एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचती ऐसे मौसम में। अगर कहीं कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस कैसे पहुँचेगी घर में, तो ऐसा तो होना चाहिए। आपने कोई विधायक को इस बारे में बोला? विधायक को बोला था पहले, हाँ आए थे यहाँ, बोला था उनको। क्या बोला उन्होंने? वो भी तो उस वक्त आया था, उस वक्त ऐसा चिक्कड़ था। अभी आए थे तभी चिक्कड़ ही था तो उन्होंने तो निकाली थी बड़ी मुश्किल से गाड़ी। जी, क्या नाम आपका जी? मेरा नाम बलवंत सिंह जी। अच्छा, ये क्या समस्या कब से चली हुई है जी? सर, ये समस्या लगभग 3 साल से ही है। हमने जो मलकीती जमीन लेके पीडब्ल्यू विभाग के नाम की थी और ये रास्ता बनवाया था, और जो हमारे राशन डिपो बनोली तक ये रास्ता जाता है, पक्की सड़क से लगभग 250 मीटर है टोटल। और जो भी सामान हमारे राशन डिपो का बनोली सब डिपो में आता है, हमारी पूरी पंचायत का लगभग 8-9 किलोमीटर के एरिए से लोग जहाँ राशन लेने आते हैं, और जो भी सामान है जहाँ बहुत राशन कार्ड है, 500-600 लगभग राशन कार्ड है उनका, सभी सामान जो आता है वो गाड़ियाँ जहीं रुक जाती हैं। मूली से बारिश हो तो गाड़ियाँ जहाँ रुक जाती हैं, और वो सामान स्पेशल पांडी करके हमें डिपो में पहुँचाना पड़ता है। उससे खाद वगैरह का रेट भी हमें ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि उनको कैरेज पड़ता है। तो हमारी समस्या है, विभाग से भी हम कई बार कह चुके हैं, और माननीय विभाग जी भी थोड़े दिन पहले जहाँ थे उनको विधायक कई बार कह चुके हैं, तो आज कल करके तो कल परसों की बारिश में तो हमारे लोगों को इतना मुश्किल हो गया कि बच्चों को और लेडीज को सामान लेके पैदल चलना भी मुश्किल हो जा रहा था। हालांकि उनके पास 15-20-25 किलो का वेट वजन होता है राशन के सामान का, तो उनको निकलना मुश्किल हो रहा था। तो हमारी सरकार से भी और विभाग से भी मेरी तो मेन माननीय आश्रय महोदय से ये प्रार्थना रहेगी कि विभाग को ये पूछें कि ये कैसा हमारे डिपो में कैसे राशन पहुंचता होगा और ये लोग कैसे अपना जीवन बसर करते होंगे। पिछले कल की घटना है, हमारे जहाँ 2 मरीज हो गए थे उनको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा,
तो एम्बुलेंस जहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे वापस हो गई थी। तो हमारा मेन जो समस्या है, मेहरबानी करके इसको जल्दी से जल्दी हल करवाने की कृपा करें। धन्यवाद जी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए भरमार से राजेश कतरौनिया की रिपोर्ट।